वेलकम बैक टू ई लर्नम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सोनक सिन्हा बाबू। ये कुछ बातें हैं मेरे बारे में। गेट लाइफ साइंसेज के केमिस्ट्री सेक्शन को, जो कि लोगों को काफ़ी टफ लगता है, उसे इंटरेस्टिंग और आसान बनाने के लिए मैं फिर से एक बार आपके साथ जुड़ूंगा। इस बार मैं लेके आ रहा हूँ एक रेगुलर क्रैश कोर्स के साथ एक ब्रिज कोर्स उन लर्नर्स के लिए जिन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल टफ लगता है या फिर आता ही नहीं है। ठीक है, उन्हें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और फिर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ढेर सारे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सीखेंगे कॉन्सेप्ट को एकदम डेप्थ में। ठीक है, तो मोर ऑन दिस लेटर, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। बैक आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से हम किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल या आयन का ज्योमेट्री या शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि आपको एग्जाम्पल दे देंगे आयन्स का और पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, और वो भी एक ऑप्शन नहीं देंगे, वो तीन चार ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, ये हैं, अब इनका रिस्पेक्टिवली कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, और इन क्वेश्चंस में हम फंस जाते हैं क्योंकि हम उसे ट्रेडिशनली करने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ चीज़ें याद रहती हैं नहीं रहती हैं और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, ट्रिक तो नहीं, एक टेक्निक कहूंगा, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे और कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मोनोवैलेंट एटम्स क्या क्या होते हैं। मोनोवैलेंट एटम्स की अगर मैं बात करूं तो आप बात करोगे हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो हैलोजन्स होते हैं ना, ये हैलोजन्स होते हैं हमारे, हैलोजन्स में कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे मोनोवैलेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब में से कोई आ गए, ठीक है, मैं कॉमन एग्जांपल्स ले रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे अगर आ गए तो आप मोनोवैलेंट मानोगे, मोनोवैलेंट यानी वैलेंसी वन। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, सल्फर की वैलेंसी छः होती है, कार्बन के जैसे अगर सिलिकॉन की बात करूँ तो अगेन चार होती है, सल्फर के जगह अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो कितना होता है ऑक्सीजन का वैलेंसी, ऑक्सीजन का वैलेंसी जो है वो भी यहाँ पे हम लोग छह गिनते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल और इसके अलावा अगर आपको हैलोजन दे दिया जाए, आयोडीन दे दिया जाए या फिर क्लोरीन दे दिया जाए, तो उस केस में आप कितना ले लोगे, इसका वैलेंसी सात ले लोगे। ठीक है, नाइट्रोजन अगर हो गया तो नाइट्रोजन का वैलेंसी फाइव ले लोगे। ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है, इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप वैलेंसीज का यहाँ पे वैलेंसी ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये वैलेंसी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसके बाद है एक फॉर्मूला और उस फॉर्मूला से हम चीजों को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं, फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला में ये बताया जा रहा है कि भाई आपके पास एक नंबर आएगा H। ठीक है, H आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लिखोगे VmCa लिखे, उसके बाद क्या करोगे प्लस माइनस प्लस, इस पूरे चीज को लोगे और बाई टू कर दोगे, दिस विल बी योर H। ठीक है, अब क्या क्या है ये टर्म्स, ये हमें देखना है। ठीक है, तो एच कैलकुलेट कर रहे हैं, एच क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखोगे आप एच, फिर मैंने क्या बोला, आप क्या करोगे ब्रैकेट खोलोगे, आप लिखोगे वी एम सी ए ब्रैकेट बंद, और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड बाई टू, फिर यहाँ पे साइन कौन कौन सा रहेगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया फॉर्मूला। अच्छा, अब हमें जानना भी तो पड़ेगा ये क्या है। वी इज बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैंने बताया आपको, वैलेंसी, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होता है। एम क्या है, एम इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जो कि लिंक्ड है ना सेंट्रल एटम के साथ। इसके बाद सी क्या है, ये दोनों जो टर्म्स है ये चार्ज के बारे में बात करती है, तो चार्ज ऑन सी मतलब कैटायन और ए मतलब एनायन। सिंपल फॉर्मूला है, टेक्निक आपको बता दिया कैसे याद रखना है, आई होप आपसे गड़बड़ी नहीं होगी। अच्छा, तो ये जो एच है ना, एच आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, यहां से आपने एच कैलकुलेट कर लिया, एच कैलकुलेट करके आप करोगे क्या, एच है क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं सीधा सीधी बोलूंगा, दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, इससे आपको फायदा क्या है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। चलो आपको फायदा क्या हुआ यही मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए ये नंबर अगर टू आया, टू का मतलब क्या, मैं बोलूंगा भाई देखो एक चीज ध्यान में रखना, एस है, एस ऑर्बिटल कितना होता है, एक ही होता है। पी कितने होते हैं, तीन होते हैं। वैसे ही डी कितने होते हैं, डी टोटल पांच होते हैं और एफ सात होते हैं। ठीक है, एस वन होता है, यहाँ तीन, यहाँ पांच, यहाँ सात। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अगर दो है आपके पास, एस तो एक ही पॉसिबल है, एस और एक पी आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, एसपी। अरे वाह, ये तो आपने सुना है एसपी का नाम। चलिए ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि इसके लिए आप निकालो, थ्री के लिए अगर आपका एच का वैल्यू कैलकुलेट करके थ्री आता है, तो थ्री का मतलब क्या है, थ्री का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एसपी टू। बहुत सिंपल, आगे आप ऐसे ही करके बढ़ते जाओगे। चार अगर हुआ तो क्या हो सकता है, sp3 हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे अगर पांच रहा तो हम कहेंगे sp3 d। ये तो खत्म हो गया ना, d एक लेना ही पड़ेगा। अच्छा अगर यहाँ पे छह आ गया वैल्यू, तो आप क्या करोगे, sp3 d2। इस तरीके से आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो आप सीधे सीधे निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, चलिए तो यही चीज हमें देखना है, बेसिकली यही चीज हमें फटाफट डिसाइड करना है कि मॉलिक्यूल कैसा है, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे किसका, CO2 का। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हम एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का। CO2 का आप कैसे वैल्यू निकालोगे, देखिए CO2 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, VMCA वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए हमारा फॉर्मूला क्या आपको याद है अभी, H इज इक्वल टू VmCA/2। V पर यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। चलिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कार्बन है, कितना होता है, चार होता है वैलेंसी। मोनोवेलेंट कुछ जुड़ा है क्या, नहीं, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होता है, तो आप यहाँ पे जीरो बैठाओगे। चार्ज, अरे चार्ज तो है नहीं मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो बाई टू, यानी 4/2 इज इक्वल टू। डायरेक्ट आप हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे क्या है, एसपी हाइब्रिडाइज, पता चला। अच्छा अगर एसपी हाइब्रिडाइज है, एसपी अगर हाइब्रिडाइज है, तो आप सीधा बोलोगे मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका लीनियर। बॉन्ड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। देख रहे हो कितना कुछ आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से, सिर्फ इतने से इंफॉर्मेशन से, एक सिंपल से फॉर्मूला से। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए एग्जांपल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे आप मान लीजिए आपको बता दिया गया BCl3, BCl3 के लिए आप क्या करोगे, बी है ना, यहाँ पे बी क्या है, बोरॉन। बोरॉन में आप क्या कर दोगे, वी के जगह पे आप बैठाओगे क्या, पहले तो आप लिखोगे VmCa, फिर प्लस माइनस प्लस बाई टू इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप पुट करोगे वी का वैल्यू, दैट इज थ्री। फिर यहाँ पे एम क्या है, एम भी थ्री होगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन है, तीन क्लोरीन जुड़े हुए हैं ना, तो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अच्छा इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज कुछ नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो चार्ज तो जीरो, तो यहाँ टू हो गया, तो 6/2 यानी थ्री, एंड थ्री स्टैंड फॉर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि b को मैंने बीच में रख दिया, इस तरीके से कर दिया, यहाँ पे cl cl cl, ये हो गया मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इजीली आप निकाल सकते हो किसी के लिए भी, बाकी के लिए आप खुद से ट्राई करें, SiCl4, ClF3, HCF4, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा कैटायंस के लिए देखते हैं। कैटायन अगर रहा, अगर कैटायन हुआ, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं NH4+ का, अमोनियम है, ठीक है, अमोनियम आयन है। अच्छा अमोनियम आयन में हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की जगह हम वी के जगह पे क्या वैल्यू लिखेंगे, पहले तो आपको लिख ही लेना है VmCa/2, राइट। चलिए वी क्या है, यहाँ पे वी विल बी फाइव, वी तो सीधा सीधी फाइव हो गया। इसके बाद कितने सारे मोनोवेलेंट जुड़े हुए हैं, देखिए हाइड्रोजन चार है ना, चार हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप चार लिखोगे। ठीक है, चार्ज कितना है, अच्छा अब ये एक कैटायन है, यानी प्लस वन चार्ज है, तो यहाँ पे वन बैठाओगे। एनायन कोई है क्या, यहाँ पे नहीं है, जीरो है यहाँ पे, राइट, कोई एनायन तो है नहीं, तो ओवरऑल कितना हो गया, 5+4-1, 5+4-1, यानी दिस बिकम्स 8/2। 8/2 कितना होता है, 4, और अगर 4 वैल्यू है, तो आप क्या लिखोगे, sp3, एंड दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। देखिए
इतना आसान है निकालना, राइट। सिमिलरली हम और भी कर सकते हैं, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एनओ टू प्लस का देख लेते हैं। एनओ टू प्लस में क्या हो जाएगा, आप फिर से देखोगे नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, पहले आप फॉर्मूला वी एम सी ए, तो प्लस माइनस प्लस बाई टू, ठीक है, यहाँ पे आप निकालोगे वैलेंसी कितना हो जाएगा, पांच। फिर मोनोवैलेंट कितने हैं, अरे एक भी नहीं है, ऑक्सीजन है ना यार, ऑक्सीजन है तो यहाँ पे नहीं हो सकता मोनोवैलेंट एक भी। अच्छा, इसके अलावा चार्ज कितना है, हाँ चार्ज हमें दिख रहा है प्लस वन, चलिए वन यहाँ बैठा दीजिए। एन आई एन कोई चार्ज है, नहीं है, जीरो। चलिए तो फाइव माइनस वन यानी हो गया फोर बाई टू, फोर बाई टू यानी क्या, दिस बिकम्स टू। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एस पी है, देख रहे हो कितना जल्दी आप निकाल सकते हो, राइट। ये है टेक्निक निकालने का, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं अगर हमारा स्पीशीज एनायन हुआ तो, चलिए एक एनायन का भी एग्जांपल कर लेते हैं, फेमस है कार्बोनेट CO3 2 माइनस, चलिए इसका निकालते हैं CO3 2 माइनस, फॉर्मूला वही VMCA, आई होप आपको अभी तक याद हो चुका होगा, VMCA आपने लिख दिया बाई टू इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, पहले यहाँ पे कार्बन का कितना होगा, चार, कार्बन का चार, अच्छा दिख नहीं रहा है, चलिए अब क्या है, कार्बन का यहाँ पे चार है अगर, तो मोनोवेलेंट कोई है क्या, नहीं मोनोवेलेंट कोई नहीं, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन कहाँ से मोनोवेलेंट में आ जाएगा। अच्छा क्या यहाँ पे कोई कैटायन है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एनायन है, हाँ है, कितना टू माइनस, यानी यहाँ पे एक जगह पे आप लिखोगे टू, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट किया, फोर प्लस टू कितना होता है, सिक्स बाई टू, तो यानी आपको टोटल आंसर मिल गया थ्री। थ्री अगर आया तो आप क्या बोलोगे, सीधा सीधी एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड, एस पी टू मतलब क्या, वही ट्राइगोनल प्लानर, ऐसे करके आप लिखोगे, ये हो गया आपका CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर, देखिए यही ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर 120, पता चल रहा है। आप एक इस H का वैल्यू से आप पहुंच जाओगे हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे ही आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल गया वैसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे क्या बॉन्ड एंगल्स है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, सब कुछ, राइट। आई होप अब आप कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो, मैंने काफी सारे एग्जांपल्स आपको बताया है ना, इसके बाद आप खुद से ट्राई कीजिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, ये एक पी वाई क्यू भी है, ठीक है, तो आप इसको ट्राई करें और कमेंट करें, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा पर्सनली एंड लेट्स सी कौन सबसे जल्दी जवाब देता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कोर्स में मिलेगा ही, वैसे कोर्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, है ना। एक हम इस बार एक फाउंडेशन कोर्स भी ला रहे हैं जहाँ पे एक ब्रिजिंग किया जाएगा, बेसिकली होता है कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है केमिस्ट्री समझने में, तो इस बार केमिस्ट्री को हम पहले ना थोड़ा बेसिक से करेंगे और फिर एडवांस कोर्स पे जाएंगे, ठीक है। तो सी यू इन द कोर्स, कोर्स जल्दी लॉन्च हो रहा है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को एंड हैप्पी लर्निंग।